वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम जैप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल बी दैट इज चैप्टर 17 मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर दिस टॉपिक्स? रिजर्व रेशियो एंड इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, तो रिजर्व रेशियोज क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उस डिस्कशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं व्हाट आर दीज रिजर्व रेशियोज। राइट, तो बिफोर बिगिनिंग लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर हम आरबीआई का जो रेगुलेशंस, आरबीआई के रेगुलेशंस है उसको देखें, तो आरबीआई कम्स अप विथ रेगुलेशंस और ये बताता है कि बैंक्स को एक्चुअली थोड़ा सा जो डिपॉजिट उनके पास आ रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज एक्चुअली उन्हें मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, तो उसी को हम रिजर्व रेशियो कहते हैं। और ये रिजर्व जो है दो टाइप्स के होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो है CRR, ये ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश होता है। स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें कैश होता है, गोल्ड होता है एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन दो टाइप्स के रिजर्व्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये रिजर्व्स जब मेंटेन किए जाते हैं बाय द बैंक्स, दिस इज फॉर वेरियस पर्पसेस। एक तो ये कि जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल हम भी थोड़े से पैसे जो है बचा कर रखते हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा टाइम आ गया जब हमें पैसों की जरूरत है, तो एट दैट टाइम वी कैन यूज दैट मनी, है ना। तो ऐसे टाइम के लिए ये मनी जो है सेव करके रखते हैं एंड ये रिजर्व्स उस समय यूज होते हैं। राइट, तो ये दोनों जो टाइप्स के रिजर्व्स है, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। आई होप ये चीज क्लियर है। तो इसका फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, अभी अभी हमने डिस्कस किया। स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में होता है। कहाँ पर मेंटेन होता है? CRR एक्चुअली बैंक जो है आरबीआई को वो पैसे दे देते हैं। ठीक है, आरबीआई को वो पैसे दे देते हैं और आरबीआई के पास CRR मेंटेन किया जाता है बैंक का। जब भी रिक्वायरमेंट होती है आरबीआई उन पैसों को रिलीज करता है एंड बैंक्स यूज इट। ठीक है, तो शेड्यूल्ड बैंक्स ऐसे बैंक्स है जो कि आरबीआई के आरबीआई जो एक्ट है उसके सेकंड शेड्यूल में उनका नाम मेंशनड है। ठीक है, उसमें दो शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में जो फोर जियोग्राफिकल रीजन्स हैं इंडिया के, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उनमें कौन कौन से एरियाज आते हैं उसका मेंशन दिया हुआ है। बट आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इफ यू सी, आपको बैंक्स के काफी सारे बैंक्स के नाम दिखेंगे। सारे बैंक्स जो है शेड्यूल्ड बैंक्स उन्हें कहा जाता है। ठीक है, वो बैंक्स के नाम वहां पर कैसे आए, उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके डेप्थ में हम अभी नहीं जाएंगे। बट अगर ये बैंक का नाम आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है देन इट कैन बी कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक सारे आरबीआई के पास ये जो पैसे हैं वो मेंटेन करते हैं। और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो कहाँ पर होता है? शेड्यूल्ड बैंक्स में ही, बैंक्स जो है अपने पास ही रखते हैं इस पर्टिकुलर रिजर्व को, अलग से रखते हैं, बाकी पैसों के साथ मिक्स ना हो जाए। तो कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब रखते हैं। स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक, ये सब अपने पास ही रखते हैं। हर तरह का बैंक जो है SLR को अपने पास ही रखता है, आरबीआई के पास नहीं ले जाता। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1950s में, एंड यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1949 के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो ये 1949 के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था। वाई कैन वी से दैट? बिकॉज ये चीज जो है एक्चुअली एक एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उस एक्ट के प्रोविजंस में दिया हुआ था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मेन पर्पस है। ठीक है, मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल हो रहा है यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो से? तो अगर आरबीआई जो है कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक्स को मेंटेन करना है उसको वेरी करता है, तो मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में हो रहा है वो वेरी हो जाता है। लेट्स से 100 रुपीज जो है आए एज डिपॉजिट्स एट दिस बैंक,
आरबीआई ने जो कैश रिजर्व रेशियो है 20% का रखा हुआ है, यानी कि 20 रुपीज मेंटेन करना होगा, और 80 रुपीज जो है लोन्स के फॉर्म में इकोनॉमी में चला जाता है। अब अगर आरबीआई ने इस पर्टिकुलर कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दिया और कह दिया कि 20 नहीं 30% होना चाहिए, तो मनी सप्लाई जो कि इकोनॉमी में जा रहा है, ठीक है, जो इन द फॉर्म ऑफ लोन्स जा रहा है, वो 70 रुपीज से जाए, है ना। तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो रहा है यहाँ पर। और इसी तरीके से बैंक की लिक्विडिटी भी, यानी कि बैंक को जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट है तो सीआरआर को यूज कर सकता है। एसएलआर बैंक की लिक्विडिटी के लिए, क्रेडिट कंट्रोल के लिए, यानी कि कितने पैसे, अगेन सेम थिंग मनी सप्लाई है, कितने पैसे या फिर गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो जा रहे हैं इंटू द इकोनॉमी, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये क्या है, एक परसेंटेज होता है कैश रिजर्व रेशियो, इट इज अ परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स, अभी अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, तो सारे डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, सभी का एक परसेंटेज होता है। एंड एसएलआर जो है 40% ऑफ एनडीटीएल होता है, ठीक है। सेम जो डिपॉजिट्स है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, उसका 40% मैक्सिमम जो लिमिट है वो 40% होता है। ये कहाँ किस एक्ट में मैंडेटेड है, तो सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, वहां पर आप देखोगे सीआरआर से रिलेटेड प्रोविजंस है, यानी कि सीआरआर से रिलेटेड प्रोविजंस आपको आरबीआई एक्ट में देखने को मिलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपको एसएलआर से रिलेटेड प्रोविजंस मिल जाएंगे। इंटरेस्ट यहाँ पर अर्न किया जा रहा है कि आरबीआई के पास, अब देखो बैंक्स ने अपने पैसे किसी और को दे रखे, जब भी हम अपने पैसे किसी और को देते हैं वो लोन के फॉर्म में देते हैं, उस पर इंटरेस्ट हमें मिलता है। लेकिन आरबीआई को इंटरेस्ट पहले नहीं, पहले देता था, लेकिन आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट जो है बैंक्स को नहीं देता उस पैसे को मेंटेन करने के लिए, तो बैंक्स का थोड़ा सा लॉस होता है यहाँ पर। जो बढ़िया अमाउंट है, कैश है, वो आरबीआई के पास मेंटेन कर रहे, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। एसएलआर पे इंटरेस्ट मिल रहा है क्या? कैश पे तो चलो नहीं मिल रहा है, लेकिन गोल्ड पे एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे प्रॉफिट जो है डेफिनेटली एसएलआर में होता है। और अगर सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, एसएलआर को इंक्रीज कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे सर, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अब अभी अभी हमने डिस्कस किया, अगर सीआरआर या एसएलआर जो है 20% है तो 80 रुपीज जो है हमारी इकोनॉमी में जाएगा। अब अगर ये 30% है तो हमारी इकोनॉमी में ओनली 70 रुपीज जाएगा। तो इकोनॉमी में जितने कम पैसे जाएंगे उतना हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन मीन्स लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसे, ठीक है। तो 80 रुपीज अगर जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, उसको अगर हम कम कर देंगे, मनी सप्लाई कम कर देंगे इनटू द इकोनॉमी, देन इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड, बिकॉज इन्फ्लेशन सिंपली मीन्स लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसे। अब डिक्रीज करने पे क्या होगा, ग्रोथ को हम बढ़ावा देंगे, यानी कि जितना 80, अब 90 रुपीज इकोनॉमी में जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, तो ग्रोथ होगा, जितना ज्यादा लोग लोन्स लेंगे उतना ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड देन ग्रोथ होगा, ठीक है। जब डिक्रीज किया जाता है, इसको 20 से 10 कर दिया, तब ना 90 रुपीज इकोनॉमी में जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, ग्रोथ होगा इन द इकोनॉमी। इट इज सेम फॉर सीआरआर एज वेल एज एसएलआर, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू डिस्कस द इंटरेस्ट रेट्स, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये एक तरह का इंटरेस्ट रेट है, एमएसएफ। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एंड अभी हम देखेंगे भी अबाउट द रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो रेपो रेट इज एक्चुअली द रेट एट विच, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जहां पर आरबीआई, ठीक है, आरबीआई से बैंक लोन ले रहा है तो वो रेपो रेट पे लेगा, ठीक है। नॉर्मली रेपो रेट पे ये लोन लिया जाता है, रेपो मीन्स रीपर्चेस। अब आरबीआई ने बैंक को थोड़े से पैसे दे रखे हैं, तो क्या गारंटी है कि बैंक वो पैसे लौटाएगा? तो इस वजह से आरबीआई बैंक से थोड़े से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखता है, ये कहता है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो मेरे पास रख दो और ये पैसे ले जाओ, और फिर बाद में जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम लौटाने आओगे, तो रेपो रेट के इंटरेस्ट रेट के साथ, यानी कि लेट्स से रेपो रेट इज 4%, तो 100 रुपीज अगर आरबीआई से बैंक ने ले रखा है
तो लौटाते हुए इसको 4% एक्स्ट्रा देना पड़ा, यानी कि 104 रुपीज देना पड़ेगा। तो 104 रुपीज देना और फिर अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपर्चेस कर लेना। रीपर्चेस इज समथिंग जहां से रेपो आया, ठीक है, रीपर्चेस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिंपल। तो ऐसे ही रेपो ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट। और ये रेपो ट्रांजेक्शन ओवरनाइट होते हैं, यानी कि ओनली फॉर वन डे। आज खरीदा, कल आपको वापस करना होगा वो पैसे, ठीक है। पैसे लिए कल आपको लोन्स या जो भी पैसे हैं वो कल आपको वापस करने होंगे, तो ओवरनाइट के लिए होता है। अब लेट्स से रेपो रेट में एक लिमिट होती है कि हाँ इतने पैसे तक ही आप ले सकते हो, लेट्स से 1 करोड़ तक आप ले सकते हो। अभी 1 करोड़ की लिमिट क्रॉस हो गई, मुझे 1 करोड़ से ज्यादा पैसे चाहिए, तब मैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF के थ्रू पैसे लूंगा। मैं इन द सेंस बैंक्स, ठीक है, बैंक्स जो है इसके थ्रू लेंगे। और यहाँ पर अगर रेपो रेट 4% है तो MSF आपका 5% 6% ऐसे होगा, ठीक है, लेट्स से 5% है। तो इस वजह से इसे पीनल रेट कहते हैं। रेपो रेट का जो भी लिमिट है उसको क्रॉस कर गए और एक्स्ट्रा बन गया आपको चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, तो इसे पीनल रेट कहते हैं। एडिशनल बोरोइंग यूजिंग SLR वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो आपको यहाँ पर यूज कर सकते हो आप, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI के पास रख सकते हो, ठीक है। SLR मेंटेन करते हुए हमने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है सेव करके रखे थे, तो यू कैन यूज दोज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज MSF के लिए। आई होप दैट इज क्लियर। थोड़ा सा नूडल्स हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रेपो रेट में जनरली बैंक्स बोरो करते हैं, अगर उन्हें एक्स्ट्रा बोरो करना है तो MSF के थ्रू करना है। MSF में भी आपको कोलेटरल रखना है, तो वो कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन से होंगे? रेपो रेट में नॉर्मल बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बट MSF में SLR वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज किए जा सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। कौन बोरो करता है? बैंक्स बोरो फ्रॉम RBI, और ये रेट रेपो रेट से ज्यादा होगा, और ये लास्ट रिसोर्ट होता है टू बोरो, ठीक है। योर रेपो रेट के लिमिट क्रॉस हो गई है, अब फिर भी बोरो करना है तो MSF के थ्रू करना है। टाइम पीरियड ओवरनाइट होता है वन डे के लिए। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नाम का एक पूरा थ्री जो फैसिलिटीज यहाँ पर हैं बोरोइंग के एंड लेंडिंग के, तो वो सब जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में इन्वॉल्व है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और अपर लिमिट होता है LAF का। इसका मतलब क्या है अभी हम को समझ में आ जाएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। कोलेटरल्स यहाँ पर होते हैं, यस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि SLR वाले है वो यूज कर सकते हैं। अब रेपो रेट अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। रीपर्चेस कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग होता है, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। कैसे लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रहा है? RBI लोन दे रहा है 100 रुपीज का, तो बैंक में जो है लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रहा है। बैंक अब उसको आगे सामने लोन के फॉर्म में या फिर जैसे भी देगा एंड प्रॉफिट कमाएगा, तो ये इकोनॉमी में मनी सप्लाई किया जा रहा है और ये मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। रेपो रेट पर जैसे ही पैसे लिए जाते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट करता हुआ हम देखते हैं। कैसे ट्रांसमिट हो रहा है सर? यहाँ पर रेपो रेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है, एंड रेपो रेट पे जब भी हम पैसे लेते हैं तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट पे बैंक्स पैसे लेते हैं तो वो आगे लोन्स भी रेपो रेट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देंगे। रेपो रेट लेट से 4% है, ठीक है, 4% प्लस थोड़ा सा अपना कुछ और 4% करके 8% पे ये होम लोन वगैरह देंगे ऐसे, ठीक है। तो रेपो रेट के बेसिस पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड हो रहा है, तो ट्रांसमिट हो रहा है ना रेपो रेट, तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन ट्रांसमिट होता है। कौन बोरो करता है? बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स रेपो रेट पर बोरो कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली हाँ, रेपो रेट इज रिलेटेड टू रेपो रेट। देन पर्पस क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए है, ओवरनाइट है, ये सेंटर ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है, क्योंकि ये 5% है तो रेपो रेट 4% के आसपास होगा, ठीक है। और तीसरी एक चीज देखेंगे और उससे हमें समझ में आएगा कि सेंटर क्यों है ये। यस, सारे के सारे बैंक सिक्योरिटीज जो भी हैं वो यूज किए जा सकते हैं रेपो रेट में, राइट। ट्राई पार्टी रेपो यहाँ पर है, जहां पर
रेपो रेट में हमने देखा दो लोग इन्वॉल्व, आरबीआई एंड बैंक, एंड कई बार और भी एंटिटीज रेपो के थ्रू बोरो करते हैं, तो जब वो बोरिंग होती है तो एक थर्ड एजेंट यहाँ पर बीच में आ जाता है, उसे ट्राइपार्टी एजेंट कहते हैं। तो ये एजेंट कोलेटरल क्या कौन सा होना चाहिए, किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेफ कीपिंग वगैरह दिखता है, तो कुछ फंक्शंस निभाता है वो एजेंट, इस वजह से ट्राइपार्टी रेपो से कहते हैं। अब टर्म रेपो, जहां पर आप ये जो है ओवरनाइट ओनली वन डे के लिए बोरो किया जा रहा है, टर्म रेपो में क्या होता है 7, 14, 28 डेज के लिए बोरो करते हैं। इस तरीके से लॉन्ग टर्म रेपो भी है, और ये लॉन्ग टर्म रेपो एक्चुअली लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 to 3 ईयर्स के लिए अगर बोरो किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशनल टीआरओ। इसी के साथ टीएलटीआरओ भी है, तो इसमें क्या होता है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, तो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हुए किया जाता है। तो आज भी तक जो टीएलटीआरओ किया गया है तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को टारगेट करते हुए किया गया, यानी कि बैंक्स को पैसे दिए जाते हैं कि भाई ये लो पैसे, और ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्चुअली कंपनीज बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं, लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स, तो उसमें इन्वेस्ट करो, इस तरीके से कहा जाता है। तो ऐसे टारगेट करके ये पैसे दिए जाते हैं। एंड द थर्ड थिंग हियर इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी बैंक के पास एक्सेस मनी है और वो मनी जो है वो कहीं पे रखना चाहता है, तो आरबीआई में रख सकता है। तो बैंक जो है अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास रख देता है, और उस पर जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का जो भी इंटरेस्ट रेट है वो अप्लाई होता है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट रेट अगर ये 4% है तो ये उससे कम ही होगा हमेशा, 3%, ठीक है। जब भी आरबीआई पैसे ले रहा है बैंक से तो कम इंटरेस्ट रेट होगा, वरना आरबीआई को फायदा कैसे होगा। तो एचडीएफ जो है वो बैंक्स अपने पैसे आरबीआई के पास रख देते हैं एंड उस पर इंटरेस्ट रेट कमाते हैं, तो लिक्विडिटी सक करने के लिए। तो बैंक से पैसे जब ले ले रहा है आरबीआई, तो लिक्विडिटी यानी कि पैसे जो है, मनी सप्लाई जो है वो सक कर ले रहा है, वापस ले ले रहा है। एंड कौन पार्टिसिपेट करता है, बैंक्स जो है एक्सेस मनी आरबीआई के पास रखते हैं। ये ऑलवेज लेस देन रेपो होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ओवरनाइट वन डे के लिए होता है, फ्लोर ऑफ एलएएफ, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में ये तीनों आ जाते हैं, और इसमें से ये जो है ये सीलिंग है, यानी कि 5% सबसे हाईएस्ट ये सेंटर में आता है, एंड देन ये फ्लोर ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। कोलेटरल कुछ इन्वॉल्व है यहाँ पर? बिल्कुल भी कोलेटरल इन्वॉल्व नहीं होता है। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरीके से देर इज वन मोर इंस्ट्रूमेंट, पहले ये फ्लोर ऑफ एलएएफ होता था बट इसको एचडीएफ ने रिप्लेस कर लिया। ये क्या है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो, रेपो में क्या होता है, बैंक लोन लेता है। रिवर्स रेपो में क्या है, बैंक अपने पैसे आरबीआई के पास रख देता है, सेम लाइक एचडीएफ, बट छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये एलएएफ का पार्ट नहीं है, पहली बात तो ये डिफरेंस है एक। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये यहाँ पर कोलेटरल इन्वॉल्व होता है, सारे बैंक सिक्योरिटीज जो है वो होते हैं। एचडीएफ में कोलेटरल नहीं है, कोई सिक्योरिटीज जो है रखने की जरूरत नहीं है आरबीआई को बैंक के पास, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को बैंक के पास सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखने होते हैं। अब फाइनली ये तीनों एमएसएफ, रेपो रेट एंड एचडीएफ, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के नाम से है, ठीक है। तो ये एक फैसिलिटी है जहां पर ये एक विंडो टाइप का है, आरबीआई के साथ बैंक जो है वो पैसे बोरो कर सकते हैं रेपो रेट के थ्रू, एंड ये लिमिट क्रॉस हो गया तो एमएसएफ के थ्रू वो बोरो कर सकते हैं, और एक्सेस मनी जो बैंक्स के पास है वो आरबीआई के पास रख सकते हैं थ्रू एचडीएफ। तो ये तीनों पार्ट बनते हैं ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो कि 1998 में लाई गई थी, ऑब्वियसली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हन कमिटी 2, जो कि 1998 में एस्टेब्लिश की गई थी। आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और अ करेक्ट, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर एट प्रेजेंट इज डिटरमाइंड बाय द एमएसएफ एज द अपर बैंड। एमएसएफ इज द अपर बैंड ऑफ एलएएफ, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज अ लोअर बैंड ऑफ एलएएफ, एब्सोल्युटली करेक्ट। रेपो रेट इज सेंटर ऑफ एलएएफ कॉरिडोर, एब्सोल्युटली करेक्ट। तीनों चीजें करेक्ट है तो डी 1, 2, 3 इज द राइट आंसर, इजंट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट्स ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू कैश रिजर्व रेशियो।
कैश रिजर्व रेशियो के प्रोविजंस किस में आपको देखने को मिलते हैं, कौन से एक्ट में? आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर जरूर दीजिएगा जिन्होंने भी ये सेशन देखा है इन द कमेंट सेक्शन, जिन्होंने नहीं देखा सेशन को जरूर देखिए एंड देन आंसर करिए, ठीक है? इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in, उस पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हो और वी विल आंसर दैट मेल, जो भी आपका क्वेरी होगा। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी कीप वेटिंग फॉर योर फीडबैक। एंड आप यहाँ पर कॉमेंट करके भी इस वीडियो के नीचे बता सकते हो कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, जरूर इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।